हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। आप में से कई सारे लोगों ने मुझे वाया ईमेल कांटेक्ट किया, वाया यूट्यूब कांटेक्ट किया और मुझसे एक ही सवाल पूछा कि सर, क्योंकि गैटबी का एग्ज़ाम और बीईटी का एग्ज़ाम अब पोस्टपोन्ड हो चुका है, तो हमें किस तरीके से जो हमारे पास समय बचा हुआ है, हमें किस तरीके से उस समय का उपयोग करना चाहिए और अपनी तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए ताकि हम वो जो हमारे पास बचा हुआ टाइम है उसको अच्छी तरीके से यूज़ कर सकें। देखिए, मैंने ज़्यादातर केसेस में देखा है कि जब भी एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होता है और वो जो टाइम लैग बीच में होता है उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स अपना 100% इनपुट नहीं दे पाते और जिसकी वजह से उनकी रैंक खराब होती है या उनके सक्सेस के चांसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ, मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ जिसको फॉलो करने के बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी जो सक्सेस का परसेंट होगा वो काफ़ी बढ़ जाएगा और आप अपनी तैयारी को भी बहुत अच्छी तरीके से कर सकेंगे। जो समय आपके पास बचा हुआ है उसको आप प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकेंगे लास्ट डे तक। ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि मैं आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स कितने वेटेज के होने वाले हैं और आपको किस तरीके से या किस सीक्वेंस में अपनी तैयारी रखनी चाहिए लास्ट डे तक। इसके अलावा मैं यहाँ पे एक स्ट्रैटेजी आपको डिज़ाइन करने वाला हूँ जिससे कि आप लास्ट डे तक जाते जाते 2 या 3 बार अपनी चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं इन द सेम गिवन टाइम। तो चलिए शुरू करते हैं, ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो के को देखने के बाद अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ है तो इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, थैंक यू। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ कि हमारे पास, अगर हम लोग ध्यान दें कि हमारे पास टाइम कितना है, आज की डेट है 22nd, अगर हम आज से गिनना शुरू करें तो 22nd अप्रैल हमारे पास आज की डेट है और अगर कोई भी स्टूडेंट पढ़ेगा तो कब तक पढ़ सकता है, वो पढ़ेगा 12th of May तक। तो इतना ही टाइम ड्यूरेशन है, आप इस चीज़ से एग्री करोगे, इतना ही टाइम किसी भी स्टूडेंट के पास है। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने कुछ ना कुछ ज़रूर पढ़ाई कर रखी होगी अभी तक, गैटबी के लिए आपने थोड़ी बहुत पढ़ाई तो ज़रूर की होगी, तो आपकी स्टडी कुछ स्टूडेंट पढ़ाई वाले फेज़ में होंगे या कुछ स्टूडेंट जो होंगे वो रिविजन वाले फेज़ में होंगे, ठीक। अब अगर मैं इस अपनी पूरी तैयारी को ब्रेक डाउन कर लूँ डेज के उसमें ड्यूरेशन में, तो देखिए जो पहला टाइम ड्यूरेशन मुझे लगता है 22nd अप्रैल यानी कि आज से लेकर के अगर मैं अपना टाइम डिवाइड कर लूँ 2 मई तक, तो ये लगभग 11 दिन हो जाते हैं, 11 डेज का टाइम है मेरे पास, ठीक। तो ये पहली चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि 22nd अप्रैल से आपको 2 मई तक का आपका टाइम डिवाइड कर लेना चाहिए और इस टाइम में करना क्या क्या है ये ध्यान से देखिए। अब देखिए, मैं आपको जितने भी इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं डिपेंडिंग अपॉन द वेटेज दे हैव इन द एग्ज़ाम, जिस भी वेटेज में वो आते हैं आपके गैटबी के एग्ज़ाम में, उसके हिसाब से मैं आपके लिए सारी चीज़ें अरेंज कर दे रहा हूँ। आप इस चीज़ को ज़रूर ध्यान से देखिएगा और इसी वेटेज के हिसाब से आप तैयारी करिएगा और फिर मैं बाद में आता हूँ इस 11 डेज में आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। तो चलिए, तो सबसे पहले अगर मैं वेटेज वाइज अरेंज करने की शुरुआत करूँ तो सबसे हाई वेटेज का जो टॉपिक जो मुझे लगता है आपके गैटबी के एग्ज़ाम में आता है और आपको उस चीज़ को ज़रूर ध्यान से देखना चाहिए वो है बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेम जो है वो सबसे ज़्यादा वेटेज में आता है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो आता है RDT और इसी के साथ साथ मैं लिख देता हूँ एनालिटिकल टेक्निक्स, ठीक। तीसरे नंबर की अगर मैं बात करूँ तो आपको पढ़ाई करनी चाहिए सेल बायो की, ठीक। चौथे नंबर का जो टॉपिक है वो है मॉल बायो, ठीक। फिर नेक्स्ट अगर मैं फिफ्थ पे जाऊं तो ये है मेटाबॉलिज्म। अगर मैं सिक्स्थ टॉपिक के ऊपर बढ़ूं तो ये है आपका जेनेटिक्स। सेवेंथ के ऊपर बढ़ूं तो ये है आपका इम्यूनोलॉजी। फिर एट्थ पे अगर मैं जाऊं तो एनिमल प्लांट माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी, एनिमल प्लांट माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी।
नाइन्थ टॉपिक के ऊपर बढ़ूं तो ये आ जाता है आपका माइक्रोबायोलॉजी। 10th के ऊपर बढ़ूं तो आएगा बायो इन्फॉर्मेटिक्स, और 11th के ऊपर जाऊं तो ये आ जाएगा बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। ठीक है, देखिए अब आप सोचेंगे सर ने बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग जो है वो एकदम लास्ट में डाल दिया है। इसकी वजह ये है कि ये गेट का एग्ज़ाम नहीं है, आप जानते हैं ये गैट बी का एग्ज़ाम है। आप पास्ट के कुछ पेपर्स पलट करके देख लीजिए, आपको बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस बहुत कम मिलेंगे, ना के बराबर मिलेंगे। और जो क्वेश्चंस आए भी हैं वो सीधे सीधे थ्योरी बेस्ड आए हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस तो और ज़्यादा कम आए हुए हैं। तो मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर ये गेट का एग्ज़ाम होता तो मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करता कि आपको बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग काफ़ी ऊपर रखना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये गैट बी का एग्ज़ाम है और यहाँ पे बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग उतना ज़्यादा नंबर का नहीं पूछा जा रहा, तो इसीलिए मैंने उसका जो कैटेगरी है वो काफ़ी नीचे डाल रखा है। दूसरी चीज़, अब ये देख रहे हैं आप कुल मिला करके ये कितने टॉपिक्स हो गए सॉरी कितने टॉपिक्स हो गए, ये टोटल मिला करके हो गए 11 टॉपिक्स। इन्हीं से आपका गैट बी में क्वेश्चन बनता है, यहीं से क्वेश्चन आते हैं। अगर आप देखिए तो ये मेरे पास 11 डेज हैं। अब मैं ज़रूर इतना भरोसा रखता हूँ कि आपने अभी तक अपनी पढ़ाई ज़रूर एक बार तो ज़रूर पढ़ ही लिया होगा, या जितना भी आपने पढ़ा होगा सारे टॉपिक ज़रूर एक एक बार थोड़ा थोड़ा आपने ज़रूर पढ़ा होगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, या मैं अगर आपकी जगह पे होता तो किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करता, इन सबको मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं इन सबको 11 डेज के अंदर ख़त्म करूँगा। अब बहुत सारे टॉपिक्स जो है वो आपको पूरा एक दिन लग जाएगा उसको पढ़ने में, उसको रिवाइज करने में। मैं यहाँ रिवीजन शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि मैं समझता हूँ कि पढ़ तो सबने थोड़ा बहुत लिया ही होगा। अगर मैं बात करूँ जैसे मुझे बायोकेमिस्ट्री में मुझे एक दिन लगेगा रिवाइज करने के लिए, आरडीटी एनालिटिकल्स में मतलब एक दिन या एक दिन से प्लस कुछ लग सकता है, आरडीटी एनालिटिकल में मुझे एक दिन या एक दिन से कुछ प्लस लग सकता है, सेल बायोलॉजी में मुझे एक दिन या एक दिन से कुछ प्लस लग सकता है, मॉल बायो में एक दिन में ख़त्म कर सकता हूँ, मेटाबॉलिज्म मैं आधे दिन में ख़त्म कर सकता हूँ अगर मैं बोलूँ, जेनेटिक्स जिस हिसाब का आता है गैडमी में मैं आधे दिन में ख़त्म कर सकता हूँ, इम्यूनोलॉजी मैं आधे दिन में ख़त्म कर सकता हूँ, एनिमल प्लांट माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी मुझे एक दिन लगेगा, माइक्रो मैं आधे दिन में ख़त्म कर सकता हूँ, बायो इन्फॉर्मेटिक्स मैं आधे दिन में ख़त्म कर सकता हूँ, और बीपी मुझे शायद एक दिन लग जाए जितना कंप्लीट मटीरियल है। तो बेसिकली अगर मैं इस पूरे को डिवाइड करूँ, पूरे को ऐड ऑन करूँ, तो मुझे कुल मिलाकर के ये सारा का सारा एक बार 11 डेज के अंदर ख़त्म कर देना है। मेरा कहने का मतलब ये है, तो अब आप इसको अपने हिसाब से डिवाइड कर लीजिए भाई, हर किसी का जो फेवरेट सब्जेक्ट होता है या हर किसी का फील्ड ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग होता है। जैसे बायोकेमिस्ट्री अगर मुझे पढ़ना होगा तो मैं बहुत जल्दी ख़त्म कर सकता हूँ क्योंकि दैट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट सब्जेक्ट्स, लेकिन हो सकता है ये आपको डिफिकल्ट लगता हो तो इसमें आपको ज़्यादा समय लगे, तो इसलिए मैंने इसको इस तरीके से 1/2 इस तरीके से करके लिख रखा हुआ है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से आपको पढ़ना है और क्या सीक्वेंस होना चाहिए पढ़ने का। ठीक है, तो यहाँ तक तो चीज़ें हमें क्लियर हो गई। अब दूसरे स्टेप में क्या करना है, जैसे कि शुरुआत के 11 डेज पूरे हो गए, अब अगर मैं आगे बढ़ूँ और नेक्स्ट 10 डेज की बात करूँ, जैसे कि 3rd मई से, अब ये नेक्स्ट स्टेप है। अगर मैं नेक्स्ट स्टेप की बात करूँ तो यहाँ पे हम लोगों को 3rd मई से शुरुआत करनी है। 3rd मई से अब मैं कोशिश करूँगा कि 3rd मई से टाइम क्या है, 12th मई तक है। 3rd मई से अब मेरे पास टाइम कितना है, 12th मई है, ये कितने दिन हो गए, लगभग लगभग 10 डेज हो गए, 10 डेज है। अब अगर मैं होता तो मैं इन 10 डेज को फिर फर्दर 5 और 5 डेज में डिवाइड कर देता, 5 डेज और 5 डेज। लेकिन अगर आपको ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल लग रहा है तो आप मत करिए, लेकिन मैं कम से कम इसको 5 डेज और 5 डेज में डिवाइड करता, थोड़ा सा अपने ऊपर प्रेशर डालता और कोशिश करता कि अभी पीछे जो मैंने 11 दिन में चीज़ें पढ़ी हैं उनको एक बार मैं 5 डेज के अंदर फिर से रिवाइज करूं। तो अगर मैं इसको अपना फर्स्ट रिवीजन मानता हूं, दिस इज़ माय फर्स्ट रिवीजन, तो मैं जो मेरे से स्टूडेंट्स क्लासेस में पढ़ते हैं मेरी ऑनलाइन क्लासेस में, उनको भी मैंने यही चीज़ें बता रखी हैं, बट क्योंकि आप भी मेरी फैमिली की तरह हैं, इंस्टेंट बायोलॉजी की फैमिली में आते हैं, इसीलिए आपको भी यही स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ कि अब सॉरी
नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, जो 10 दिन बचे हुए हैं उनको 5 और 5 दिन में फिर से डिवाइड कर लीजिए। अब जो 11 टॉपिक्स यहाँ पे शुरुआत में थे, 11 टॉपिक्स थे जिनको अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे, इनको 5 डेज के अंदर मुझे कैसे भी करके खत्म करना है। ठीक, कैसे खत्म करेंगे 5 डेज के अंदर, इतने 11 टॉपिक्स कैसे खत्म करेंगे 5 डेज के अंदर। अब देखिए, जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ, अब मैं टॉपिक्स को ब्रिज कर लूंगा, जस्ट हाफ हो गया है ना। आप खुद सोचिए कि 11 टॉपिक्स अब मुझे 5 दिन में खत्म करने, तो मैं कैसे करूंगा ब्रिज, जैसे कि कोई एक आसान टॉपिक कोई एक टफ टॉपिक के साथ जोड़ लूंगा। जैसे कि मैंने क्या किया, बायो केम को मैंने, अगर मैं करता बायो केम को मैंने जोड़ लिया बायो इन्फो के साथ, तो ये काम कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने नेक्स्ट सेल बायो को जोड़ लिया प्लांट एनिमल माइक्रोबियल बायोटेक के साथ, ठीक, ये काम कर सकता हूं। अब इसी तरीके से अगर मैंने और जोड़ दिया मॉल बायो को माइक्रोबायो के साथ, तो अब देखिए कितने दिन हो गए, 1, 2, 3 दिन के अंदर मेरे 6 टॉपिक्स रिवाइज हो गए। ठीक, अब इसी तरीके से आप, मैं इसको ब्रिज करने वाला काम मैं आपके लिए नहीं कर सकता, क्योंकि कौन सा टॉपिक आपके लिए कठिन है, कौन सा टॉपिक आपके लिए आसान है, दैट यू ओनली नो, मैं नहीं जानता। तो अब इसी तरीके से आपने 11 डेज, 11 टॉपिक्स को 5 डेज के अंदर अंदर कंप्लीट किया, एंड दिस इज योर रिविजन नंबर सेकेंड, सेकेंड रिविजन। अब आ जाइए जो अगले के 5 दिन है। अब इन 5 डेज के अंदर भी आपको यही काम रिवाइज कर, यही चीज रिपीट कर देनी, जो आपने पिछले 5 दिन के अंदर किया वही इस 5 दिन के अंदर भी कर लेना है। बात समझ में आ गई, तो ये रिपीट हो गया, तो इस कारण से अब क्या हो गया, ये आपका थर्ड रिवीजन भी खत्म हो गया। मतलब देखिए, जो आपके पास टाइम बचा हुआ था उसको हम लोगों ने कुछ इस तरीके से डिवाइड किया कि अब आपके पास 3 रिवीजन्स कंप्लीट हो गए हैं पार्ट बी के। और विश्वास मानिए कि अगर आपने पार्ट बी अच्छे से किया हुआ है, बढ़िया तरीके से किया हुआ है, और आप उसमें अच्छा स्कोर कर ले जाते हैं, तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता गैट बी में बढ़िया रैंक लाने से। ये बात लिख करके रख लीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स पार्ट ए के लिए लास्ट में जाने लगते हैं, उनकी शुरुआत की तैयारी पार्ट ए में नहीं हुई होती है और वो लास्ट में पार्ट ए पढ़ने लग जाते हैं, जिसकी वजह से उनका पार्ट बी जो है वो इफेक्ट हो जाता है। तो मेरे हिसाब से ये गलती मत करिएगा। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी एक अच्छे लेवल पे है और आपको बस एक थोड़ी सी स्ट्रैटेजी चाहिए कि पार्ट ए कैसे पढ़ सकते हैं, तो यहाँ पे जो 11 दिन है इसमें आपने मान लीजिए कि अगर आप 10-12 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, 12 आवर्स पढ़ाई कर रहे हैं, तो अपना 1 आवर एक्सटेंड कर लीजिए और यहाँ पे गैट बी के लिए, गैट बी पार्ट ए के लिए आप तैयारी कर लीजिए। 1 घंटा गैट बी पार्ट ए को दे दीजिए। कैसे तैयारी करनी है, देखिए मैंने आपके लिए ऑलरेडी मदद के लिए आपके गैट बी पार्ट ए के बहुत सारे भी लेक्चर्स बना रखे हैं। देखिए लेक्चर नंबर 1 है गैट बी पार्ट ए के ऊपर, लेक्चर 2 है, 3 है और 4 है। 4 लेक्चर्स मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ गैट बी पार्ट ए के ऊपर। इसके अलावा मेरी डेली की सीरीज जो है वो 1 मिनट की कीमत, ये भी आपके गैट बी पार्ट ए को काफी हद तक डेडिकेटेड रही है कुछ समय पहले तक, तो ये भी गैट बी पार्ट ए के लिए है। और ये लेक्चर्स तो प्योरली गैट बी पार्ट ए के लिए है। ठीक, तो इन इन दोनों को आप जरूर देख लीजिएगा, इससे आप कम समय में काफी अच्छा स्कोर कर सकते हैं पार्ट ए के अंदर भी। तो पार्ट बी मैंने बता दिया कैसे पढ़ना है, पार्ट ए के मैंने आपको आइडिया दे दिया कैसे करना है। तो इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करने के बाद मुझे लगता है कि आप काफ़ी हद तक बढ़िया कर ले जाएंगे अपने गैट बी के एग्ज़ाम के अंदर। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो इससे रिलेटेड, या आप जानना चाहते हैं और कैसे अच्छा किया जा सकता है, या आपको और इस वीडियो से या गैट बी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर जा करके मैसेज करिएगा, मैं जितना जल्दी हो सकेगा आपको रिस्पॉन्ड करूंगा। तो ये हो गया मेरी तरफ से आपको एक पूरा गाइडेंस किस तरीके से आपको अभी आने वाले समय में पढ़ाई करनी है। तो अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, वीडियो को लाइक करिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।